हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डेली हम 9 बजे साइंस का सेशन लाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों आपको रोज़ की तरह लाइव आना है और आपके क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। और दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा, फिर आपको मार्किंग करते चलना है जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये करना है आपको। और दोस्तों साथ ही साथ न्यू मेंबर को मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियो डेली बेस पे लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को डैश रखने में सक्षम हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया पर्यावरण से निम्न, दूसरा दिया पर्यावरण से उच्च, तीसरा दिया आपका हर समय निरंतर, और चौथा ऑप्शन दिया है वायुमंडलीय तापमान के बराबर। तो दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, टाइम दूंगा आपके लिए, पॉज कर दूंगा थोड़ा, पर दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लाइव चैट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, आपको रिप्लाई भी किया जा रहा है टाइम टाइम पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। सी मतलब हर समय निरंतर रखते हैं दोस्तों, गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को हर समय निरंतर रखने में सक्षम है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखेगा। दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश का रंग क्या दिखेगा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन मतलब काला। तो दोस्तों मैं थोड़ा टाइम लूंगा, या तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ दूंगा जब तक आपके पास क्वेश्चन को देखने और समझने का टाइम है तब तक, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय पर सूर्य का जो लाल रंग है वो क्यों होता है। दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय होता है जब, तो दोस्तों सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है, वो किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के बिखरने, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का फैलाव। तो दोस्तों थर्ड का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, प्रकाश के बिखरने के कारण ऐसा होता है। तो थर्ड का क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। आप लाइव चैट में अपना आंसर देते रहिए, मैं आपका आंसर देख रहा हूँ और आपको रिप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, पढ़ने का चश्मा किस लेंस का बना होता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोस्तों जो पढ़ते हैं अपन वो जो चश्मा होता है वो किस लेंस का बनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार का करेक्ट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन मतलब दोस्तों क्या, उत्तल लेंस। जो पढ़ने का चश्मा होता है दोस्तों, रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेज, तो दोस्तों ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हो, ठीक है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय, आंखों में ध्यान केंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा नहीं है तो मैं आपको इसके लिए छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन, दूसरा है लेंस के टू और फ्रो संचलन से, और दोस्तों देखिए थर्ड दिया आपका दृष्टिपटल के टू और फ्रो संचलन के, और दोस्तों आपका फोर्थ दिया आग के तरल पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक में परिवर्तन। तो दोस्तों पांच का करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों पांच का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या दिया, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन, आंखों में ध्यान केंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन, ठीक है, पांच का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। छठा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। दोस्तों द मिरर विच इज यूज इन द सर्च लाइट इज, दोस्तों कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है सर्च लाइट में। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया अवतल दर्पण, दूसरा दिया उत्तल दर्पण, तीसरा दिया सरल दर्पण, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छह का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, अवतल दर्पण। दर्पण सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह आएगा आपका अवतल दर्पण। छह का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट का जो क्वेश्चन का आंसर है वो लाइव चैट में देते रहिए, मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों दांत का जो चिकित्सक होता है, डेंटिस्ट जो होता है दोस्तों, वो जो मिरर यूज़ करता है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में भी रखा था, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं दोबारा रखा हूं। तो दोस्तों सात का करेक्ट आंसर आपको बताना है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों सात का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपका अवतल दर्पण दिया है, ये करेक्ट आएगा, ठीक है। तो दर्पण से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है आपको, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, आठ में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। दोस्तों P1, P6, P4, P5 इनमें से सफ़ेद फास्फोरस कौन सा है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आठ का दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा आपका
हार्ट का करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, P4। P4 दोस्तों आपका सफेद फास्फोरस है, तो आठ का करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अल्काली मेटल्स, दोस्तों अल्काली मेटल्स क्या है आपको बताना है। कमरे के तापमान पर अत्यधिक स्थिर पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है, और चौथा ऑप्शन दिया आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है। दोस्तों नौ का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है, वो होती है दोस्तों आपकी अल्काली मेटल्स। ठीक है, अल्काली मेटल्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो दे दोस्तों वो होती है आपकी अल्काली मेटल्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप RPF का पेपर दोगे अभी तो दोस्तों उसमें आपका पूछेगा साइंस, जनरल साइंस, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर RPF वाले कोई देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया में क्या करता है। दोस्तों एक उत्प्रेरक होता है, वो प्रतिक्रिया में क्या करता है, प्रतिक्रियाओं की स्थितिज ऊर्जा बदलता है, प्रतिक्रियाओं की गतिशील ऊर्जा बदलता है, उत्पादों की स्थितिज ऊर्जा बदलता है, सक्रियण ऊर्जा बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, सक्रियण ऊर्जा बदलता है। चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी, ये दोस्तों आपका उत्प्रेरक प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर आएगा आपका 10 का डी आंसर आएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ ग्लास को हरा रंग देता है। दोस्तों कौन सा जो पदार्थ है वो ग्लास को हरा रंग देता है, ग्लास को हरा रंग कौन सा पदार्थ देता है आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड पहला ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड दूसरा ऑप्शन है, क्रोमियम ऑक्साइड तीसरा ऑप्शन है, मैग्नीज ऑक्साइड चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दिया, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड दोस्तों आपका जो पदार्थ है वो ग्लास को हरा रंग देता है, तो याद कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्लास को हरा रंग देता है। चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद होता है। दोस्तों देखिए परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों उस नाभिक में कौन कौन से जो तत्व दोस्तों कण होते हैं वो मौजूद होते हैं आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहला ऑप्शन दिया, तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। और दोस्तों आप अपना आंसर भी गैस करते जाइए, मैं आपको पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा, दोस्तों बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, चलिए आप इसका आंसर गैस कीजिए, आप लाइव चैट में इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर आएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 जो है दोस्तों वो उसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा। तो जिसका भी सी है मार्किंग करते चलिए, आप मार्किंग करते चलिए, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके कितने क्वेश्चन सही आए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव है। दोस्तों सामान्य तापमान जो है उस पर द्रव्य कौन सा जो तत्व है वो आपको बताना है, तो फास्फोरस, मरकरी, सोडियम, एल्युमिनियम, तो इनमें से कौन सा जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव्य है आपको बताना है। तो दोस्तों 14 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। डी में दिया दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों सामान्य तापमान पर जो है वो द्रव्य है इनके अलावा। ठीक है, सामान्य ताप पर दोस्तों सॉरी इसका एल्युमिनियम आंसर नहीं आएगा, इसका मरकरी आएगा। ठीक है, मरकरी आएगा, तो दोस्तों बाय मिस्टेक ये हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपको मरकरी, जो सामान्य तापमान पर एक द्रव की भांति व्यवहार करता है। सामान्य तापमान पर जो द्रव की भांति व्यवहार करता है वो दोस्तों आपका मरकरी, जिसका जो सिंबल होता है वो HG होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। 15 देखिए, निम्नलिखित में से क्या ऊष्माशोषी है। दोस्तों ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी आपने पढ़ा होगा, तो ऊष्माशोषी मतलब एब्जॉर्वेशन करना ऊष्मा का, और ऊष्मा का उत्सर्जन करना वो है दोस्तों आपको ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्वसन दिया, ज्वलन दिया, पसीना आना या प्राकृतिक गैस का जलना, तो इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, पसीना आना। दोस्तों स्वीटिंग जो है वो है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि दूध के दही में रूपांतरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। दोस्तों देखिए दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों मॉडरेटर होता है, वो क्या होता है आपको बताना है। तो पेप्सिन होता है, इनवर्टेज होता है, लैक्टेज होता है, या डाइटेंस होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, मतलब लैक्टेज, लैक्टोज जिसको आप बोल सकते हो। दोस्तों दूध के दही में रूपांतरण के लिए लैक्टोज जो उत्प्रेरक है उसका काम होता है। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका सी, जिसका भी सी है वो मार्किंग करते चलिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश फाइबर इज यूज्ड टू मेकिंग ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस। दोस्तों ब्रश के ब्रिस्टल बनाने में डैश फाइबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्रश का ब्रिस्टल मतलब, ब्रिस्टल मतलब दोस्तों जो जिससे अपन दांत साफ करते हैं। ठीक है, तो केवलर, नायलन 66, टेरिलिन या लेक्सन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन जो भी जनरल साइंस के होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों नायलन 66 का यूज़ किया जाता है ब्रश के ब्रिस्टल बनाने में। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, नायलन 66 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं
18 क्वेश्चन में, 18 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एसिड। दोस्तों एसिड मतलब क्या होगा आपका हिंदी में, अम्ल, ठीक है। अम्ल आपका लिटमस पेपर जो होता है दोस्तों, जो आप एसिड टेस्ट के लिए जिसका यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर, उसका यूज़ किया जाता है। तो एसिड क्या करता है लिटमस पेपर को, कौन से कलर में कन्वर्ट करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला दिया लाल नीला, दूसरा दिया हरा पीला। तो दोस्तों याद रख लीजिए कि जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो नीला से लाल करता है, ठीक है। नीला से लाल करने का जो काम करता है वो एसिड करता है, मतलब सी ऑप्शन आपका दिया है नीला से लाल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और लाल से नीला बोलेगा तो आपका वो आएगा आपका क्षार बेस, जिसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 19। देखिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लीड्स टू द पॉइजनियस पॉल्यूटेंट, तो ऑटोमोबाइल निकास किस जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। दोस्तों आपको बताना है ऑटोमोबाइल निकास, दोस्तों ऑटोमोबाइल निकास किस जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आपको लगाना है। दोस्तों आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी आप सोचोगे उतना जल्दी दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा और आपका माइंड भी शार्प होगा। तो दोस्तों 19 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए इसको याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगाकर इसमें गलती कर देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है ऑटोमोबाइल निकास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए आपसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है, पीवीसी का पूरा रूप क्या है। दोस्तों पीवीसी मतलब क्या है, इसका पूरा रूप क्या है आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बीसवा का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है दोस्तों वो है आपका पीवीसी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता है, ठीक है। तो आपको रिस्पांस किया जा रहा है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, तो आप लाइव चैट में अपना जवाब देते रहिए और लास्ट में आप मार्किंग करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन में कम से कम डैश बेंजीन जैसे छल्ले उनके अणुओं में होते हैं। दोस्तों सुगंधित हाइड्रोकार्बन जो होता है उनमें कम से कम डैश बेंजीन, कितने बेंजीन जैसे छल्ले उनके अणुओं में होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो कितने छल्ले होते हैं ये पूछता है आपसे। तो दोस्तों 4, 3, 2 और 1, तो दोस्तों आपको पता होगा कि बेंजीन एक छल्ले की आकृति होती है। तो दोस्तों ये छल्ले कितने होते हैं आपको बताना है सुगंधित हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन में छल्ले की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपसे पूछ रहा है, 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कितनी होती है, 1, ठीक है। 1 आप याद रखिए, 1 जो है वो बेंजीन जैसे छल्ले उनके अणुओं में होते हैं, ठीक है। 1 बेंजीन जैसे छल्ले उनके अणुओं में होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्रोमाइट, क्रोमाइट डैश का एक अयस्क और खनिज है। दोस्तों क्रोमाइट एक अयस्क है या खनिज है, तो वो किसका है, जिंक का है, यूरेनियम का है, क्रोमियम का है या टाइटेनियम का है। दोस्तों आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो क्रोमाइट आपका यहाँ दे दिया अयस्क। अब ये बताना है आपको कि किस तत्व का है, जिंक का है, यूरेनियम का है, क्रोमियम का है, टाइटेनियम का है। तो दोस्तों 22 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, सी में दिया आपका क्रोमियम। तो क्रोमियम का दोस्तों क्रोमाइट है, बहुत ही आसान है क्योंकि नाम देखिए सेम है, शुरू में क्रोमियम और क्रोमाइट, ठीक है। तो एज इट इज सेम है, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। 23 देखिए, डायलिसिस इज रिलेटेड टू, दोस्तों डायलिसिस संबंधित है। दोस्तों डायलिसिस जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है, कौन से हमारे शरीर के अंग से संबंधित है, जिगर, गुर्दा, आंखें या मस्तिष्क। तो दोस्तों 23 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, डायलिसिस जो होता है दोस्तों वो किडनी में होता है, ठीक है। किडनी या इसको आप बोल सकते हो गुर्दा, इसमें होता है दोस्तों आपका डायलिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है। दोस्तों यूरिया जो है वो रक्त से कहाँ अलग होता है आपसे पूछ रहा है, तो आंत में, पेट में, प्लीहा में, गुर्दा में। तो दोस्तों 24 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, गुर्दा। दोस्तों आप कमेंट करते जाइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। और दोस्तों कमेंट करना आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त प्रवाह है। दोस्तों गुर्दे के माध्यम से जो औसत रक्त प्रवाह है वो प्रति मिनट कितना है, तो 1000 cc, 1200 cc, 200 cc या 500 cc। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों 25 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन, 1200 cc, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन में, जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसका, तो इसमें किसका संचय होता है। दोस्तों जब आपको पता होगा किडनी फेल्स टू फंक्शन, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ, किसका संचय होता है दोस्तों, शरीर में वसा का, शरीर में प्रोटीन का, रक्त में शुगर का, या रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या दिया है, रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते दोस्तों 27 क्वेश्चन में, डायलीजर का उपयोग डैश के कार्य
के लिए किया जाता है। दोस्तों डायलीजर का उपयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है? हृदय, गुर्दा, जिगर, फेफड़े। 27 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, बी में दिया दोस्तों आपका गुर्दा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डायलीजर का उपयोग डैश के कार्य के लिए किया जाता है, तो ये आता है आपका गुर्दा के लिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 28 एक तने के पार अनुभाग में 50 वृत्त है, पेड़ की उम्र क्या है? 50 मैंने 5 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। दोस्तों आपको पता होगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीम ऑफ अ ट्री हैज 50 रिंग्स। दोस्तों रिंग्स के द्वारा आपकी उम्र ज्ञात की जाती है पेड़ों की, तो दोस्तों आपको बताना है 50 वृत्त है तो पेड़ की उम्र क्या है? तो 50 मैंने 5 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपका आएगा, 28 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, जितने व्रत उतने उतना वर्ष होता है, तो ये आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं 29 क्वेश्चन में। लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? दोस्तों लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? स्नायु बंधन कहते हैं, रेशेदार उत्तक बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं, या मांसपेशी उत्तक बोलते हैं? 29 का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, स्नायु बंधु या लिगामेंट्स जिसको बोलेंगे आप। ठीक है, लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्नायु बंधन, जिसको आप लिगमेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु द्वारा निर्मित फ्लैक्स किसके बने होते हैं? खाद्य कण के, खाद्य कण और लार के, खाद्य कण, लार और मुंह एसिड, खाद्य कण, लार, मुंह एसिड और बैक्टीरिया। तो 30 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। डी में क्या दिया आपका? खाद्य कण, लार, मुंह एसिड और बैक्टीरिया। धातु द्वारा निर्मित प्लैक्स किसके बने होते हैं? दोस्तों वो बने होते हैं आपके खाद्य कण, लार, मुंह एसिड और बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30, इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। लाइव चैट में आप जवाब देते रहिए, मैं आपके जवाब देख रहा हूँ। 31 देखिए, हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। 31 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। डी में दिया आपका कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो आपके दांतों के गठन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 32 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय का निचला हिस्सा, गर्भाशय का ऊपरी भाग। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या आएगा, तो दोस्तों मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। 32 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका बी ऑप्शन। बी में दिया दोस्तों फलोपियन ट्यूब। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? तो ये आएगा आपका फलोपियन ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 33 देखिए, सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो अब्सिशिक एसिड या गिबरेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकिनिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 33 का ए आंसर आएगा, अब्सिशिक एसिड। सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन कौन सा है? अब्सिशिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, जिसने भी ए ऑप्शन लगाया उसका करेक्ट आंसर है। चलते दोस्तों 34 क्वेश्चन में। आयोडीन युक्त हार्मोन है। दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला दिया थायरॉक्सिन, दूसरा दिया इंसुलिन, तीसरा दिया एड्रेनालाइन और चौथा दिया दोस्तों टेस्टोजेन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 34 का? तो 34 का दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया आपका थायरॉक्सिन, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है, तो आप लाइव चैट में अपना जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब देख रहा हूँ। पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं वह है? दोस्तों फेरोमोन का उपयोग कौन से पशु करते हैं आपको बताना है। ठीक है, सेंडिपिड, हाइड्रा, कबूतर, चींटी। तो दोस्तों 35 का आपको आंसर बताना है। दोस्तों फेरोमोन का यूज करते हैं आपका, वो करते हैं दोस्तों चींटी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा चींटी जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो दोस्तों यहाँ हो गए हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट। आप मुझे कमेंट करके बताइए लाइव चैट में कि आपके कितने मार्क्स आए, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको और बेटरमेंट किस जगह पे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों डेली बेस पे हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप बताना मुझे कि और कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब मैक्सिमम हम सेशन का जो लिमिटेशन रखेंगे दोस्तों, अभी 30, 40 या 45 क्वेश्चन है, कभी कभी दोस्तों 35 क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं।
तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम लाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए लाइव चैट में आपके कितने मार्क्स आए काउंट करके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं और क्वेश्चन का आंसर बोलता हूं तभी आप मार्किंग करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें होता है आपका टाइम वेस्ट, लास्ट में दोस्तों आप फिर से रिपीट करते हो आपके कितने मार्क्स आए, इसलिए आप नंबर काउंट करते चलना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत टाइम देता हूँ और नंबर काउंट करना कोई ज़्यादा टाइम लेने वाला चीज़ है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहे और जय हिंद, वंदे मातरम।